ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अंश पहला अध्याय। पहले 7 मन्वंतरों के मनु इंद्र देवता सप्तऋषि और मनु पुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपको पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रह गण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि ऋषि गणों की सृष्टि तथा चातुर वर्ण एवं तुरक योनि गत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रह्लाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मन्वंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मन्वंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भूतकाल में जितने मन्वंतर हुए हैं तथा आगे भी जो जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे, उनके अनंतर क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्य पुत्र वैवस्त मनु हैं, जिनका यह 7वां मन्वंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिन स्वयंभू मन्वंतर के विषय में मैंने कहा है, उनके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मन्वंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनु पुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूँगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मन्वंतर में पारावत और तोषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। उर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, वृषभ, निराय और परिवान, ये उन समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किम पुरुष आदि स्वरोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मन्वंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मन्वंतर का विवरण सुनो। हे ब्रह्मन, तीसरे मन्वंतर में उत्तम नामक मनु और सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशव्रती, ये 5 12 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि गण और अर्ज, परशु एवं दीप्त आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मन्वंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधी, ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 27 देवगण थे। जो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा श्री इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे, उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, प्रथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर, ये उस मन्वंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतुरूप और जानु, जंघ आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्य अधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मन्वंतर में रावत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए, उनके नाम सुनो। इस मन्वंतर में 14 14 देवताओं की अमिताभ, भूत्रया, वैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मन्वंतर में हृदया रोमा, वेदश्री, उधर्व बाहु, वेद बाहु, सुधामा, प्रजनया और महामुनि, ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनि सतम, उस समय रैवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलबंधु, स्वभाव्य और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत, ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजऋषि प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मन्वंतरा द्वीपों को प्राप्त किया था। 6ठे मन्वंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे, उनके नाम सुनो। उस समय आपय, प्रसुत, भवय, प्रथुक और लेख,
ये पांच प्रकार के महानुभाव दो गण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में आठ आठ देवता थे। उस मन्वंतर में सुमेधा विरजा हविष्मान उत्तम मधु अतिनामा और सहिष्णु ये सात सप्तऋषि थे तथा चाक्षुष के अति बलवान पुत्र उरु पुरु और शतधुंड आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस सातवें मन्वंतर में सूर्य देव के पुत्र महतेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। हे महामुनि, इस मन्वंतर में आदित्य वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंदर नामक इंद्र है। इस समय वशिष्ठ काश्यप अत्रि जमदग्नि गौतम विश्वामित्र और भरद्वाज ये सात सप्तऋषि हैं तथा वैवस्त मनु के इश्वाकु मृग ध्रष्ट शर्याति नरिष्यंत नाभाग अरिष्ट करुष और प्रशर्ध ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा नौ पुत्र हैं। समस्त मन्वंतरों में देव रूप में स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधाना शक्ति ही संसार की स्थिति में उनकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभूव मन्वंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उन विष्णु शक्ति के अंश से ही आकृति जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारुचिष मन्वंतर के उपस्थित होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नामक देवगणों के साथ तुषिका से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मन्वंतर में वे तुषित देव ही देव श्रेष्ठ सत्य गण के सहित सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मन्वंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहित हरि रूप से हरिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देव श्रेष्ठ हरि रैवत मन्वंतर में तत्कालीन देवगण के सहित संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुष मन्वंतर में वे भगवान पुरुषोत्तम वैकुंठ नामक देवगणों के सहित विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्त मन्वंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा माता अदिति के गर्भ से वामन रूप होकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपने तीन दगों से संपूर्ण लोकों को जीत कर यह निष्कंटक त्रिलोकी का राज्य इंद्र को सौंप दिया था। हे विप्र, इस प्रकार सातों मन्वंतरों में भगवान की ये सातों मूर्तियां प्रकट हुई जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। यह संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः वे विष्णु कहलाते हैं क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता मनु सप्तऋषि तथा मनुपुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।